रैंक कैसा रहा पेपर? तो बहुत अच्छा गया सर। लेवल क्या बोलिए, इजी, मोटेड, हार्ड? सिंपल था सर। सिंपल था। और कैटेगरी क्या है आपका? जनरल ओबीसी? ओबीसी सर। ओबीसी। तो सब में से मतलब सब मिला के सब टॉपिक को सबसे इजी पोर्शन सबसे हार्ड पोर्शन कौन सा रहा? सबसे हार्ड थोड़ा सा करेंट रहा सर। करेंट थोड़ा हार्ड रहा। किस ईयर का करेंट अफेयर था? 21-22 का था। 21-22 का था, ठीक है। मैथ कैसा रहा भैया? एक मिनट आइएगा। मैथ तो ठीक था सर। मैथ ठीक था। कट ऑफ क्या आ सकता है आपके अनुसार? बनाए थे सर 120 बनाए सर। 120 आप बनाए हैं। कट ऑफ क्या रह सकता है आपके अनुसार? आपको तो कट ऑफ तो जाएगा सर 120 से ज़्यादा ही जाएगा सर। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू। कैसा रहा भैया आपका पेपर? पेपर अच्छा था। आप कितना क्वेश्चन कर पाए? मैंने सर इसको तो 130 किया है। 130 किया है। 130। नेगेटिव तो इसमें है नहीं? नेगेटिव तो है नहीं, वो मेरा क्वेश्चन मतलब आ नहीं रहा था तो और लास्ट टाइम मैनेज नहीं कर पाया इसलिए। अच्छा, तो कैटेगरी क्या आपका? जनरल ओबीसी? जनरल। जनरल। जनरल है जी। तो आपके अनुसार क्या लगता है कट ऑफ क्या रह सकता है? जैसे मुझे लगा इस मॉडर्न इंडिया में थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कम रहा है। अच्छा, ठीक है। मेडाइवल से थोड़ा सा क्वेश्चन था, छठा पाँच सात क्वेश्चन, दस क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे कि क्वेश्चन में वन मेरा सेट ए था तो उसमें 160 से लेके 170 आसपास था, 10 क्वेश्चन मेडाइवल से रहा होगा। अच्छा, ये सब है। कट ऑफ हमको जनरल का 110 आसपास जाना ही चाहिए एटलीस्ट। मैथ में 10 में कितने क्वेश्चन किए आपने? मैथ में साढ़ा मार दिए। अच्छा, सबसे ईजी सबसे हार्ड पोर्सन क्या रहा आपके लिए? मैंने मेडाइवल नहीं पढ़ा था इसलिए मेडाइवल ही रहा मेरा। करेंट अफेयर किस ईयर का बताएं? करेंट तो ठीक ही था, सही है, इसी ईयर का था। बस अच्छा। एक क्वेश्चन शायद 2018 का आया था पुराना वाला, बाकी सब कुछ ठीक था। ये कहाँ से हैं आप? वैशाली से। ठीक है भैया, थैंक यू आपका। भैया आपका कैसा पेपर रहा? अच्छा ही गया। हम लोग चूँकि जो है SSC का तैयारी में लगे हुए। अच्छा। तो मतलब GK भी अच्छा है। अच्छा। सिर्फ जो है बिहार का जो करंट पूछा गया था उनका तैयारी कोई खास नहीं था। अच्छा। फिर भी मतलब जब बन गया मतलब कह सकते हैं कि जितना क्वेश्चन किया गया था 50% जो है लगभग बन गया। आप कितना क्वेश्चन किए भैया? टोटल कर दिए इसमें तो मतलब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो फिर। ठीक है, हाँ। तो उसमें से नेगेटिव कितना होगा आपका? नेगेटिव अप्रोक्सीमेट अगर बोला जाए तो 100+ जो है सही होना चाहिए, 100+ एक्यूरेसी जाना चाहिए उतना। ठीक है, उसके बाद जब मैथ का पोर्शन जो हम लोग CGL का विद्यार्थी हैं तो मैथ तो छूटने का क्या लगता है? 10 में गलती भी हुआ एक भी क्या? गलती तो नहीं हुई है, एक का एक जो है मतलब वॉच से था प्रॉब्लम। ठीक है ना, वो तो उसका ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा था तो उसको ई मार दिए हैं। ठीक है, तो मैथ तो ऐसे नॉर्मली गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग जो है मैथ का। आपको मतलब सबसे ईजी सबसे हार्ड पोर्शन क्या लगा? सबसे हार्ड पोर्शन हमको लगा हिस्ट्री का, जो कि एंशियंट से था कुछ, है ना। और उसके बाद जो है इजी टाइप में जो लगा कि नहीं उसका जो मॉडर्न हिस्ट्री से दिया हुआ था, जैसे कि भारत का जो है स्वतंत्रता क्रांति हो गया और बिहार का कुछ कुछ मतलब था राज्यपाल और ये सब था, स्टेट वाइज टाइप का था। चलिए ठीक है, आपका कैटेगरी क्या भैया? OBC है। OBC है। आपका एग्जाम बहुत बढ़िया गया, मतलब लगभग 120+ सही गया है। तो कैटेगरी क्या आपका? जनरल OBC? OBC है। OBC है आपका। आपने कितने क्वेश्चन किए? 120+ है। 120+ क्वेश्चन किए हैं, उसमें सही कितना हो जाएगा मतलब नेगेटिव कितना? सही लगभग लगभग हम नेगेटिव मतलब अपना से आदमी तो गलत मारता है नहीं है। हाँ। अब उसी में होगा 5-7 या 10 लगभग। अच्छा, आपके अनुसार सबसे ईजी पोर्सन सबसे हार्ड पोर्सन? क्वेश्चन कोई खास ठीक था, मतलब लेवल का था क्वेश्चन। कट ऑफ क्या जा सकता है आपके अनुसार? 120+। 120+ कट ऑफ जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू। आपका भैया कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। आप कितना क्वेश्चन किए? हम 120+। 120+ किए हैं, ठीक है। कैटेगरी क्या है आपका? OBC। OBC कैटेगरी है। आपको सबसे ईजी पोर्सन सबसे हार्ड पोर्सन कौन सा लगा है? सबसे हार्ड पोर्सन ऑल टाइम मैथ्स। मैथ लगा है। मैथ तो 10 ही था, उसमें कितना किए हैं आप? 3-4 क्वेश्चन ही हम अटेम्प्ट कर पाए मैथ्स का। आप मैथ का 3-4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। अच्छा, तो और सबसे इजी पोर्शन क्या लगा? सबसे इजी पोर्शन तो आप वही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉलिटिक्स। करंट अफेयर किस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है? करंट अफेयर्स का तो अभी कहीं हाल फिलहाल का क्वेश्चन, जैसे अभी SCO का बैठक कहाँ होने वाला है जैसे जम्मू कश्मीर में। अच्छा, साइंस में इजी क्वेश्चन था या फंसाया हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से? फंसाया हुआ तो था थोड़ा। अच्छा, ट्विस्टेड था। और किसका पोर्शन ज्यादा था, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी, किसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन? ज्यादातर तो क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से ही था। बायोलॉजी ज्यादा क्वेश्चन था, ठीक है। आपके अनुसार कट ऑफ क्या रहने वाला है? 100-110 तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू।